कहता है एक बीकर है फुल ऑफ वाटर केप्ट इन ए रूम, इट कूल्स फ्रॉम 80 to 75। चलो एक बीकर है वो उसका टेम्परेचर कूल हो रहा है 75 कूल हुआ, फिर 75 से 70 कूल हुआ, फिर 70 से 65 कूल होगा, समझना। तो इसमें टेम्परेचर टाइम T1 लगा, इसमें T2 लगा, इसमें T3 लगा, तो T1, T2, T3 में रिलेशन निकालना है। चलो तो तीन बार यहाँ फर्स्ट ये है, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओगे तो एक बार यहाँ लगाओगे, एक बार यहाँ लगाओगे और एक बार यहाँ लगाओगे, तीन बार लगाओगे उसके बाद। अब वैसे भी यार इसको लॉजिक से भी कर सकते हो, T1 T2 में रिलेशन निकाल सकते हो। हम सबको पता है कि रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़े हो ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ऐसे भी कर सकते हो और मैं मैथमेटिकली भी कर सकते हो, दोनों तरह से मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो रेट ऑफ कूलिंग मान लो जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है जो कि फिक्स है, 60 डिग्री सेल्सियस है जो कि कांस्टेंट है, सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि टेबल पे चाय है और चाय ठंडा होने से रूम गर्म हो जाएगा, ठीक है, रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहले डिफरेंस देखो, पहले में डिफरेंस है 80 - 60 मान लिया मैं, तो 80 - 60 = 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट है तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट कूलिंग होगा तो टाइम स्लो लगेगा, टाइम कम लगेगा। दूसरे केस में 75 से 70 हो गया, मतलब 75 से 60 दैट इज प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा मान लो 5, ठीक है। तो एक्चुअली मैं और तीसरे केस में 70 से 60 मतलब ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि रेट ऑफ कूलिंग जो है, मतलब जब टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग में ज़्यादा होगा तो कूलिंग फास्ट होगा, कूलिंग, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगा इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जल्दी कूल हो जाएगी, मतलब सबसे कम टाइम लगेगा यार, जल्दी कूल हो जाएगी मतलब कम टाइम लगेगा, मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम लोगों का सही है, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। दूसरे केस में टेम्परेचर 15 हो गया, सराउंडिंग टेम्परेचर 15 हो गया तो कूलिंग जो है वो स्लो होगा। तीसरे केस में टेम्परेचर और भी कम हो गया तो कूलिंग और स्लो होगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एवरेज के इक्वेशन भी लगा सकते हैं। एवरेज वाला इक्वेशन क्या है, T1 - T2 = टाइम टेकन टी सम कॉन्स्टेंट के T1 + T2 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर सम कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई, इसको आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देख रहे हो सभी में जो डिफरेंस है वो सभी का जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट है, सेम है, 75 से 80 से 75 हुआ 5 75 से 5 70 हुआ 5 75 से 6, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है T1 - T2 वो तो सेम है, और T1 + T2 एवरेज ले लो, इन्वायरमेंट टेम्परेचर सभी का सेम होगा, कांस्टेंट सभी का सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है 1/T इज प्रोपोर्शनल टू T1 + T2, ठीक है। बाकी सब में 2 का डिवाइड करोगे तो बात यही है, मतलब T1 + T2 जिसका ज़्यादा होगा उसमें टाइम कम लगेगा। तो T1 + T2 पहले कितना हुआ देखो, पहले 80 - 75, पहले T1 + T2 80 से 75 हुआ, तो T1 + T2 पहले केस में कितना हो गया 155 हो गया, पहले केस में 155 है इन दोनों का सम, दूसरे केस में 75 से 70 हुआ तो इन दोनों को जोड़ लो, 75 से 70 हुआ तो 145 हो गया, और तीसरे केस में 70 और 65, ठीक है, तो 135 हुआ, तो ये आ जाएगा 135। देख रहे हो सबसे ज़्यादा जो टाइम है, ठीक है, वो पहले वाले में लगा होगा, तो इसका मतलब सबसे कम टाइम पहले वाले में लगा, T1 is less than T2 is less than
टी थ्री, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों तरीके से मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया, बी ऑप्शन सही है।